हेलो किड्स, वेलकम टू मैथ सेशन। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, और चैप्टर का टाइटल क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स। सो व्हाट डज इट मीन प्लेइंग विद नंबर्स? ये जो अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें, सो इट इज समथिंग, अगर हमें लगता है जैसे वी आर प्लेइंग विद द प्लेइंग लाइक अ गेम। अभी जब आई विल एक्सप्लेन यू, यू विल सी के वी से अ नंबर इन अ पर्टिकुलर वे, बट एज पर वी गो विद द प्लेस वैल्यू ऑफ द थिंग, वी कम टू नो मोर अबाउट इट। और आप ये देखेंगे व्हेन वी स्पीक दीज नंबर्स इन इंग्लिश, तो एक्चुअली वी आर स्पीकिंग एज पर द प्लेस वैल्यू। सो हिंदी में जब हम लोग बोल रहे हैं तो हिंदी में इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इंग्लिश में व्हेन वी आर स्पीकिंग एज पर द प्लेस वैल्यू वी आर स्पीकिंग। सो जैसे जैसे हम चलेंगे तो ये देखेंगे कि जब हम प्लेस वैल्यू बोल रहे हैं और वो प्लेस वैल्यू को सोच के व्हेन वी आर राइटिंग इट, तो अ नंबर ऑफ अदर अंडरस्टैंडिंग वी कैन मेक व्हाइल वर्किंग आउट विद दीज नंबर्स। सो शुड वी स्टार्ट, आवर प्ले विद द नंबर्स? यस। सो आज जो हमारा टॉपिक है, मींस जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू लुक फॉर नंबर्स इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मींस एक वही कि हम इनका जो बेसिक चीज है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी हमने नंबर्स जब बोलने सीखे, वी स्टार्ट सेइंग 671 902। सो ये जो हम बोल रहे हैं, वी आर जस्ट स्पीकिंग आउट, लेकिन हम रिलेशन नहीं बना रहे हैं कि इससे हमें और भी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। सो सी हियर, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है जो नंबर्स इन जनरल फॉर्म देख रहे हैं कि इफ वी टेक द नंबर, इसको हाउ विल यू स्पीक आउट? बोलिए। 52। ओके, सो हमने इसको 52 बोल दिया। हिंदी में वी से 52, बट हम जब भी मैथ्स जैसे कर रहे हैं तो जनरली वी राइट द नंबर्स इसी वे में, है ना? तो 52। नाउ 52 कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म। 52 को वी कैन राइट 50+2। दिस मींस 50 में व्हेन वी आर एडिंग 2, देन इट इज बिकमिंग 52। अब ठीक है, ये पता चल गया। नाउ अगर अब हम 50 के ऊपर फोकस करें तो ये हाउ 50 इज मेड? दिस मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 विद 10 एंड एड 2, तब 52 बना। और जब हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा तब 50 बना। और वी कैन से 10 को अगर हमने 5 टाइम्स उसको एड करा तब 50 बना। क्लियर? तो जनरली अगर आपने पढ़ा होगा, बेसिक हमारे नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 9, और जितनी हमारे नंबर्स बने हैं इट इज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स, एंड वी आर इंक्रीजिंग द प्लेस वैल्यू। क्योंकि ये आपका वंस है, फिर जब 2 digit नंबर आ जाता है इट्स वंस एंड टेंस, जब 3 digit आ जाता है वंस टेंस हंड्रेड। इस वे में वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्लेस वैल्यू। लेकिन आप नंबर देखेंगे तो नंबर विल बी इन द रेंज बिटवीन 0 and 0 to 9। सिमिलरली हम अगर 37 है, 37 को हम कैसे लिख सकते हैं? द बेसिक फॉर्म मीन्स 30 में व्हेन वी आई एड 7 इट विल बिकम 37। बट हाउ कैन 30 बी रिटन? 30 कैन बी रिटन लाइक 10 into 3। समझ में आ गया ना? तो अब आप कैन यू गेट दिस थिंग कि व्हेन वी आर स्पीकिंग, देखें हम ऐसे ही बोल रहे हैं 37, तो 30 मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पर क्या है, इट्स द टेंस प्लेस 30। ठीक है, सो 37 मींस 30+7। तो अगर आपने जो बोल रहे हैं उसको समझ लिया तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने में यू विल फाइंड नो डिफिकल्टी। तो अगर हम जनरल देखें, इन जनरल इफ देयर इज एनी 2 digit नंबर, 2 digit नंबर को हमने वी आर एज्यूमिंग ए बी। आपने अभी मैथ्स पढ़ ली है काफी, क्या होता है वी ऑलवेज गो विद द वेरिएबल। तो हमने ले लिया वेरिएबल मींस इट कैन बी एनी नंबर। तो इफ आई एम सेइंग ए बी तो इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9 एंड सेम विद
बी फ्रॉम 0 to 9 इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है। सो अगर हमने 2 डिजिट नंबर लिया ए बी, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट्स दैट इज ए एंड बी। सो हाउ कैन ए बी बी रिटन, तो ए हम पता चल गया ए इज ए टेंस प्लेस, तो आई कैन राइट 10 इनटू ए एंड देन आई विल ऐड बी। लेकिन इसी को इफ आई डू द रिवर्स, इंस्टेड ऑफ ए बी आई राइट बी ए, सो एट 10 प्लेस क्या होगा, एट 10 प्लेस इट विल बी बी प्लस ए, तो 10 बी प्लस ए। सो यही अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज हम ले लें 58, तो 58 को 5 इज इज 10 प्लेस, तो हम कैन वी कैन राइट 5 into 10 plus 8। बट इफ आई राइट 85 क्या हो जाएगा, 85 मीन्स यहां पे हम कह सकते हैं 85 को हाउ कैन वी से 10 into 8 plus 5, तो यहां पे 5 वॉज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 10, यहां पे 8 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 10, क्यों, यहां पे 10 स्पेस पे इट इज 5 एंड यहां पे 10 स्पेस पे इट इज 8, बस यही है। तो अगर हमें प्लेस वैल्यू मालूम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एनी नंबर इफ इट इज देयर वी कैन राइट इट। नाउ 3 डिजिट नंबर इन जनरल फॉर्म, तो द सेम वे जैसा हमने 2 डिजिट नंबर का देखा था, वी कैन डू विद द 3 डिजिट नंबर। सपोज अ 3 डिजिट नंबर इज 351, सो देख रहे हैं आप, आई एम स्पीकिंग दिस नंबर विद द प्लेस वैल्यू 351, तो क्लियर हो गया हमें 351 कैन बी रिटन 300 plus 50 plus 1। अब 300 को फर्दर हाउ कैन बी राइट, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 into 3, 5 की प्लेस वैल्यू इज 10 into 5 एंड 1 की व्हाट इज द प्लेस वैल्यू 1, तो 1 into 1। तो यहां पे आप देखेंगे तो कभी कभी काफी बुक्स में यू विल नॉट फाइंड दिस 1 into 1, दिस राइट सिंपली 1 बिकॉज 1 into 1 इज 1। सिमिलरली 497 यू कैन राइट डाउन, तो 497 को फर्स्ट वी कैन राइट लाइक 400 plus 90 plus 7, सो 100 into 4, 9 का प्लेस वैल्यू 10, 10 into 9 plus 1 into 7। कुछ डिफिकल्ट नहीं ना, यस, सो यू विल फाइंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इजली यू कैन डू इट। सो इन जनरल अ 3 डिजिट नंबर, अब जैसे हमने ए बी का एग्जाम्पल लिया था, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए बी सी, सो इट इज मेड अप ऑफ बाय 3 डिजिट्स दैट इज ए बी एंड सी। सो हाउ ए बी सी नंबर कैन बी रिटन, 100 into A, 10 into B प्लस 1 into C, सो क्या हो गया 100A 10B एंड प्लस सी। अब अगर हम इसका उल्टा करें, सी बी ए, यू कैन नाउ मेक इट इन दिस वे, अगर हमने सी ए बी करा तो क्या हो गया 100C प्लस 10A प्लस बी, मीन्स इसका कैसे हम लिख सकते हैं, सी ए बी 100 into C प्लस 10 into A प्लस 1 into B, तो 100 into C becomes 100C, 10 into A becomes 10A एंड 1 into B becomes B। और अब और उसमें चेंज करा, अब हमने कर लिया BCA, सो BCA कैन बी रिटन एज 100 into B प्लस सी का बताएं, आ गया ना, यू आर वेरी गुड, 10 into C एंड हाउ अबाउट ए 1 into A,
डिफिकल्ट है? प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए, इज इट डिफिकल्ट? नहीं ना, यू कैन डू इट. हाँ, सो नाउ ट्राई दीज सम्स. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म. सो 25, कैन यू राइट नाउ 10 इंटू 2 प्लस 5, और 5 लिखें या हम लिख देते 1 इंटू 5, हाँ, सो दैट यू नो दिस इज वंस प्लेस वैल्यू 1 इंटू 5. और 25 को हम कैसे लिख सकते थे पहले, 20 प्लस 5, एंड देन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. सेकेंड देखते हैं 73, तो इट कैन बी रिटन एज 70 प्लस 3. दिस मीन्स 10 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3. एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखाती हूँ अबाउट 129, तो इट कैन बी रिटन एज 100 प्लस 20 प्लस 9. जैसा बोल रहे हैं लिखते जाइए. सो दिस मीन्स क्या हुआ, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 9. हो गया ना. सो कैन यू डू द फोर्थ वन ना. बस इसमें क्या आ गया, 0 आ गया ना. कोई डरने की बात नहीं है. हमने क्या करा, 300 प्लस 0 0 प्लस 2. दिस मीन्स क्या हुआ, 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2. कोई 0 है, कोई बात नहीं. सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम, राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म. हाउ डू वी राइट दीज नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. सो 10 इंटू 5 विल बिकम 50 प्लस 6, इट विल बिकम 56. 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8, हाउ डू वी राइट 100 इंटू 7, दैट इज 700 प्लस 10 इंटू 1, इट विल बिकम 10 प्लस 8. अब आप सबको ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 718. सो 10 प्लस 8 18, एंड 700 प्लस 18 विल बी 718. तो दिस इज द वे वी राइट द नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट सोचिए कैसे करेंगे. दीज आर वेरिएबल्स ए सी बी. सो एट हंड्रेड्स प्लेस विच वेरिएबल शुड वी पुट, ए, देन एट टेन्स प्लेस सी, एंड एट वन्स प्लेस बी. आ गया ना. ये नंबर को हम कैसे लिख सकते थे, 100A + 10C + B. सो सेम हमारा ए का 100 प्लेस वैल्यू, सी का 10 प्लेस वैल्यू, एंड बी का 1 प्लेस वैल्यू. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, टुडे वी लर्न हाउ कैन वी राइट द नंबर इन जनरल फॉर्म. और आज हमने ये भी सीखा कि जो हम नंबर्स बोलते हैं वी स्पीक विद द प्लेस वैल्यू, और ये जो प्लेस वैल्यू अगर हमें का नॉलेज हो जाए, वी कैन राइट एनी नंबर. So in the next session, we'll discuss more from the same chapter. Bye.